ढावा रेस्टोरेंट और होटल नॉनवेज खाने की शौकीन वालों के जाना मजबूरी होता है तो क्यों ना आज हम होटल ढावा और रेस्टोरेंट को ही घर ले आए हाय फ्रेंड मैं प्रतिभा किचन विद प्रतिभा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही टेस्टी चिकन की ये रेसिपी जिसे आप एक बार अगर खा लेना तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप होटल रेस्टोरेंट और डावा जाना बिल्कुल भूल जाएंगे। अगर ये रेसिपी आपको थोड़ा भी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आइए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी मैं लिए हूँ यहाँ पे साढ़े सात सौ ग्राम चिकन मैं पहले इसे अच्छे से धो ली हूँ यह देसी चिकन है आप कोई भी चिकन ले सकते हैं जितना हम चिकन लिए हैं उसके आधे से थोड़े कम जैसे मैंने साढ़े सात सौ चिकन लिया है तो ये साढ़े तीन सौ ग्राम अनियन है एक तीन सौ ग्राम प्याज हम लेंगे सौ ग्राम लहसुन दो इंच के करीब अदरक का टुकड़ा दो हरी मिर्च अदरक और हरी मिर्च को कूट लेंगे फिर इसे निकाल लेंगे और वापस से लहसुन को भी डाल करके कोट लेंगे इस तरह से कूट करके हम इसे निकाल लेंगे और अब गैस पे चढ़ाएंगे कुकर कुकर गर्म हो जाए तो उसमें तेल डाल दें आधा चम्मच जीरा दो इलायची थोड़े से दालचीनी दो लौंग दो काली मिर्च और दो तेजपात एक लाल मिर्च डाल करके इसे चटकने तक भूनें जब चटकने लग जाए तो उसमें अदरक और हरी मिर्च को डाल दें फिर जो लहसुन को हमने कोट रखा है उसमें से आधे से थोड़ा ज़्यादा भाग डाल दें और इसे बुने जब इसकी कलर चेंज हो जाए तो इसमें प्याज डाल दें और प्याज को डाल करके इसकी कलर चेंज होने तक यानी सॉफ्ट होने तक इसे पकाए तो इस तरह से देखिए सॉफ्ट होने तक इसे फ्राई कर लेंगे ढक के पका लेंगे जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तो वापस से कुकर को खोल करके देखिए और इस स्टेज पे अब डाल दें स्वाद अनुसार नमक नमक डाल देने से प्याज अच्छा से गलने लगेगा तब तो गल जाएगा और डाल करके इसे मिला के वापस से फिर से ढक करके इसे दो से तीन मिनट तक पकने दें दो से तीन मिनट बाद देखेंगे कि प्याज काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है तो अब इस स्टेज पे जाएगा चिकन इस तरह से चिकन को डाल दें चिकन जब भी लें बहुत ही अच्छे से धोल करके लें ताकि इसमें स्मेल ना रहे यहाँ पे आप कोई भी चिकन ले सकते हैं लेकिन अगर आप देसी चिकन ले रहे हैं तो सीटी आने तक पकाएं, नहीं तो सीटी ना लगाएं, क्योंकि बाकी चिकन तो नॉर्मल होता है पर देसी चिकन जो होता है ना वो काफ़ी हार्ड होता है तो इसलिए इसे दो से तीन सीटी आने तक पकाना ज़रूरी हो जाता है तो इस तरह से मिला करके इसे पानी सूखने तक ढक कर के पका लें फिर अब इस स्टेज पे डालें मसाला मैं यहाँ पे दो चम्मच मसाला और ये जो अल्लाह से हमने कूट रखा था बचा हुआ था वो एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चौथाई चम्मच देगी मिर्च पाउडर थोड़ा सा पानी डाल करके इसके गोल तैयार कर लें इस मसाले को हमने घर पे तैयार किया हुआ है इसमें लौंग इलायची काली मिर्च दालचीनी टुकड़ा जीरा ये सारे चीज़ मिक्स होते हैं तो अलग से हमें जीरा पाउडर या धनिया पाउडर ये सब लेने की ज़रूरत नहीं होती है और इसे घोल करके इसमें डाल दें इसे डाल करके अच्छा से चला करके मिला दें और ढक कर के पाँच मिनट ऐसे ही पका लें पाँच मिनट बाद वापस से इसे चलाए और कुकर के ढक्कन बंद करके इसे तीन सीटी आने तक पका लें जब तीन सीटी लग जाए तो इसे खोल करके देखेंगे कि हमारा चिकन बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हो चुका है और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही गाढ़ी बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है वाह इसकी कलर देखिए क्या कलर आई है इस ये कितनी मस्त दिख रहा है तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है लेकिन टेस्ट की बात करें तो बाकी चिकन नॉनवेज से इसकी टेस्ट में चार चंद लग चुकी होती है इसे देखकर ही आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि यह देखने में इतना मस्त है तो खाने में कितना मज़ेदार होगा और देखिए इस तरह से कितना अच्छा इसकी लेक्स पीस भी बनी हुई है और यह काफ़ी गला हुआ है बिल्कुल हार्ड नहीं है अभी लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप देसी चिकन ना बना रहे हैं देसी मुर्गा का तो उसमें सीटी भी ना लगाएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए थैंक्स फॉर वॉचिंग